गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेशन में जुड़ेंगे सभी। आज मैं देखूंगा मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 16। ओके, सो क्या है आज का टॉपिक, इसमें क्या स्टडी करना है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट चल रहा था, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट सभी जुड़ जाएंगे, एक बार सभी जुड़ेंगे फटाफट, ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सकें। नितेश गुड मॉर्निंग, दीपक सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी जुड़ेंगे फटाफट। चलिए जी फटाफट सभी सेशन में जुड़े। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, ऑफलाइन ऑर्डर कर दो। चलिए चलिए सभी जुड़ रहे हैं। आशीष मेहरा जी गुड मॉर्निंग। यू सर्किट और मेजरमेंट का सिलेबस है, उसमें सर्किट और मेजरमेंट का सिलेबस, बिल्कुल जी बिल्कुल होगा। चलिए फटाफट जुड़ेंगे सभी, फटाफट जुड़ेंगे। अब आगे से आपकी क्लास सिर्फ लाइव होंगी, जो लाइव देखेगा वही देखेगा, बाकी प्राइवेट। लास्ट वीडियो से ऐसा होने लगा है, जो लाइव देखेगा वही लाइव देख पाएगा और बाकी सारे प्राइवेट हो जाएंगे। ओके चलिए, नमस्ते राहुल जी, राहुल नमस्ते। चलिए आज क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में वाटर मीटर देख रहा हूं। क्या मेरा टॉपिक तो चल रहा है इलेक्ट्रो डायनामोमीटर, टॉपिक क्या चल रहा है जी मेरा, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर। क्या चल रहा है जी, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर, ठीक है ठीक है, यहां तक ये बात हो गई ना। मैं बात करूं तो ये क्या होगा जी, इसका वाट मीटर, वाट वाट मीटर है ना, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप वाट मीटर की चर्चा करूंगा ना। अब वाट मीटर के अंदर आपने देखा कि जो दो कॉइल हैं वो कहीं ना कहीं सर क्या होता है, एक तो लोड के पैरेलल में कनेक्ट होता है, एक लोड के सीरीज में। सो दोनों से करंट जो जाएगा वो अलग अलग करंट जाएगा, क्या होगा जी, अलग अलग करंट जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉइल को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक वाटमीटर में एक कॉइल तो ऐसा है और एक और कॉइल है दूसरा, वो भी ऐसा है। ओके, अगर इसको किसी लोड के साथ कनेक्ट करना है, किसी लोड के साथ कनेक्ट करना है, तो अगर जो करंट कॉइल होगा, जो क्या होगा जी, करंट कॉइल होगा और जो पोटेंशियल कॉइल होगा, ध्यान रखिएगा, जो करंट कॉइल होगा और जो पोटेंशियल कॉइल होगा। ओके, तो करंट कॉइल को हमेशा हम क्या करेंगे जी, लोड के सीरीज में लगाएंगे, हमेशा करंट कॉइल को क्या करेंगे जी, लोड के सीरीज में लगाएंगे, और जो पोटेंशियल कॉइल होगा उसको लोड के पैरेलल में लगाएंगे। ये देखिए दो वायर, अब जो पहले सीरीज में कनेक्ट हुआ करता था, अब सीरीज में कनेक्ट नहीं हुआ है, अब वो वही वायर सीरीज में कनेक्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ऐसे कंडीशन की बात करूं, तो ये तो हमारा है सर लोड, ये क्या है हमारा जी लोड। अगर लोड की चर्चा मैं करूं सर, लोड की चर्चा करूं, तो यहाँ पे एक करंट मैं कहता हूँ I1 जाएगा, तो अब यहाँ दूसरा करंट I2 जाएगा, जबकि लोड के लिए टोटल करंट I जाएगा,
है ना, टोटल करंट वहां आ ही जाएगा, लेकिन चूंकि एक करंट पीसी में चला जाएगा और दूसरा कहां चला जाएगा जी, दूसरा चलेगा लोड के सीरीज में। सो इसी में एक मापता है वोल्टेज को और एक मापता है करंट को। यही ये जो वाटमीटर है अब यही रीडिंग देगा जी, यही वाटमीटर आपको क्या देगा जी, ये रीडिंग देगा, ये वाटमीटर क्या देगा आपको, रीडिंग देगा। तो यहां अगर रीडिंग की चर्चा होगी तो देखिएगा दो करंट है, अब दोनों अलग अलग हो गए। अब जो दो करंट है, अगर मैं बात करूं आई वन, ये आई एम वन साइन ओमेगा टी अगर होगा तो दूसरे में करंट क्या जाएगा जी, आई एम टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जाएगा जी, दूसरे में क्या जाएगा ओमेगा, क्योंकि ये दोनों अब अलग अलग फेज से होके जा रहे हैं। एक तो करंट लोड के सीरीज में जाएगा और दूसरा इसका वोल्टेज मापेगा, तभी पावर क्या हो जाएगा जी, यानी अगर एक सीरीज में एक पैरेलल में रहेगा, एक वोल्टेज को मापेगा एक करंट को, कहीं ना कहीं टोटल पावर को कैलकुलेट कर देगा। तो कल जो एक्सप्रेशन मैंने दिखाया था, ध्यान से समझिए, मैंने लास्ट टाइम जो एक्सप्रेशन दिखाया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, वहां पे क्या आया था जी, आई स्क्वायर इंटू डी एम बाय डी थीटा, क्या आया था डी एम बाय डी थीटा। ये क्यों आया था, क्योंकि ये करंट आई वन बराबर वहां आई टू था बराबर आई माना, क्योंकि वो सीरीज में था, क्योंकि एमिटर और वोल्टमीटर में दोनों वायर क्या थे जी, सीरीज में थे। अगर एक्सप्रेशन याद हो तो क्लियर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे दोनों क्या थे सर, सीरीज में थे, आई वन बराबर आई टू बराबर आई सब सीरीज में थे। लेकिन आज वो एक्सप्रेशन तो नहीं चलेगा, यहाँ बराबर वाला एक्सप्रेशन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो जनरल टॉर्क का एक्सप्रेशन पे फिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे जी, जनरल टॉर्क एक्सप्रेशन, जनरल टॉर्क इक्वेशन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे जी, जनरल टॉर्क इक्वेशन पे जाएंगे, ठीक है। जनरल टॉर्क इक्वेशन क्या था सर, जनरल टॉर्क इक्वेशन क्या था सर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर जो था वो था आई वन इंटू आई टू बटा टू इंटू डी एल इक्विवेलेंट बटा डी थीटा, ये क्या था सर, ये वैल्यू था। अब जब दो कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, तो आपने ये भी देखा था कि L1 प्लस L2 प्लस dm बाई डी थीटा, ये भी हुआ था। तो मैं यहाँ पे कर दूँ हियर, अगर मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूँ कि L इक्विवेलेंट जो है वो क्या है सर, L1 प्लस L2 प्लस 2m है, क्या है जी, इसका फॉर्मूला 2m है, ओके। तो ये तो फॉर्मूला सर 2m यूज हुआ, तो क्या हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मैं कहूँ सर आई वन इंटू आई टू इंटू, ये टू से टू कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे डी एम बाय डी थीटा, क्योंकि डेरिवेशन मैंने लास्ट टाइम कराया था। एमीटर और वोल्टमीटर की अगर बात करोगे आप, एमीटर और वोल्टमीटर की अगर बात करोगे तो सर हमने कराया हुआ था क्या डीएल में, ये इक्वेशन डाला था एल वन थीटा के रिस्पेक्ट में जीरो, एल टू थीटा के रिस्पेक्ट में जीरो, लेकिन म्यूचुअल थीटा के जो वैल्यू है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, इंडक्टर से कोई कितना नजदीक दूर जा रहा है उससे वैल्यू उसका चेंज होता है। सो डीएम बाय डी थीटा रह जाएगा, है ना, और जो इसका टू बाहर निकलेगा वो इससे कट गया था, ये लास्ट एक्सप्रेशन में हमने आपको दिखाया था। नाउ अगर मैं वाटमीटर की बात करूं, अगर यहां से मैं कहां जाऊं वाटमीटर की ओर, है ना, अगर मैं यहां से कहां जाऊं सर वाटमीटर की ओर, यहां से वाटमीटर नौ फोर वाटमीटर, यहां मैं क्या बात करूंगा नौ फोर वाटमीटर, है ना, किसके लिए मैं बात करूंगा जी, वाटमीटर के लिए, किसके लिए बात करूंगा वाटमीटर के लिए सर जेई की क्लास कब होती है इलेक्ट्रिकल, अभी हो रही है जेई की क्लास और क्या है, है ना, यही तो क्लास होती है, बाकी ऐप पर चलती है, ओके, यही तो क्लास जेई की हो रही है। सो नौ अगर मैं बात करूं, आज 11 बजे था, रोज 11:10 पे होता था, आज 11:30 बजे से क्लास शिफ्ट कर दी गई थी, है ना,
एसएससी जेई बोलना है सर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है या पुराने एसएससी जेई इसका सिलेबस बदला है क्या, कोई मुझे बताएगा क्या बदला है? नहीं बदला है सर, सेम सिलेबस है, कंटेंट अपडेट होते रहते हैं लेकिन सिलेबस तो वही है। कोई चेंजेज है क्या एसएससी जेई के सिलेबस में? कोई सिलेबस नहीं, तो नया सिलेबस और पुराना सिलेबस क्या होगा? कुछ भी नहीं। ओके नाउ फॉर वाट मीटर में बात करूं, आपको आई वन आई टू का वैल्यू पुट करना होगा, आई वन आई टू का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना होगा तभी वाट मीटर का एक्सप्रेशन आएगा। तो अब सर आप यहां यूज कर लो या चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ फॉर वाट मीटर, ओके नाउ फॉर वाट मीटर, नाउ फॉर वाट मीटर, नाउ फॉर वाट मीटर, अगर मैं वाट मीटर की बात करूं, हाँ ऐप का बेसिक से जाके ही पढ़िए, ऐप पर बेसिक से नेटवर्क से पढ़िए, ऐप में स्टोर में जाके आप लीजिए या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको बता दिया जाएगा सारा कुछ, है ना, आपको वहां पे आईटी टीम सब बताएगा। फॉर वाट वाट मीटर सर, अब मैं वाट मीटर की अगर बात करूं तो टी डी बराबर क्या बचा है जी यहाँ पे, आई वन इंटू आई टू इंटू डी एम बाय डी थीटा बचा है, है ना, वेयर आई वन आई टू गिवन है, जहां पे आई वन आई टू गिवन है क्योंकि अब ये बंट रहा है दो भागों में, तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन आएंगे, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन आएंगे। तो टी डी की अगर बात करूं मैं तो आई वन बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लेके आता हूं, ये इधर कर देता हूं ताकि चीजें आसान होंगी, है ना, आइए टी डी बराबर क्या होगा, आई एम वन साइन थीटा साइन ओमेगा टी इंटू दूसरा वाले का आई एम टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओके साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ब्रैकेट तो छोटे भी हैं बड़े भी हैं, है ना। अब देखिए ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व होगा, ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व होगा जी, है ना, ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व होगा इनटू डीएम बाय डी थीटा, इनटू डीएम बाय डी थीटा, इसको सॉल्व बहुत दूर तक करते जाना है, आपको फाइनल जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकलेगा, क्योंकि अभी आपको इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, है ना, तो अभी हम उस रिजल्ट पे जाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चंस बनेगा। तो मैं बात करूं इस डेरिवेशन को आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हो लगातार, तो फाइनल जो यही वैल्यू आएगा वो क्या आएगा जी, यहां पे एक आएगा आई वन और वी पी एच बट थीटा के जगह पे मैं डायरेक्टली वैल्यू दे देता हूं, तो आपको मिलेगा क्या आई वन इंटू वी एल इंटू फाइनली कॉस फाइव, क्या निकलेगा जी यहां से कॉस फाइव, जबकि दूसरे आई को जो एक आई तो निकला वो आई को रख ही लिया, पर जो दूसरा आई है दूसरे आई को क्या करते हैं जी आई टू वाले को क्या करते हैं पोटेंशियल का वोल्टेज भागा उसी का रेजिस्टेंस से भागा दे देते हैं, तो दूसरे वाले का हमारा यहां से वोल्टेज आ जाता है, दूसरे करंट को वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस करते हैं और रेजिस्टेंस को कॉमन अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो यहां पे प्रोपोर्शन आ जाता है। तो यहां से एक चीज दिखता है इसी डेरिवेशन के सॉल्व करने से, एक चीज पता चलता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू वोल्टेज इनटू कॉस थीटा, मतलब एक्टिव पावर के प्रोपोर्शन है, एक्टिव पावर के प्रोपोर्शन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिलता है यहां से, यानी पी के प्रोपोर्शन है और यही तो आपका वाट मीटर को रिप्रेजेंट करता है, यही तो यहां से क्या आपको फाइनली निकला, दिस इज लीनियर, दिस इज ये स्केल कैसा है वाट मीटर का लीनियर स्केल देता है, लीनियर स्केल देता है। तो बच्चे हमेशा इलेक्ट्रोडायनामीटर को समझते हैं कि वो जो है वैल्यू जो देता है वो कैसा वैल्यू देता है, वो नॉन लीनियर, ऐसा नहीं है। वाट मीटर के केस में स्केल कैसा देता है जी, वाट मीटर के केस में स्केल कैसा होता है लीनियर, वाट मीटर के केस में स्केल कैसा होगा जी लीनियर, है ना, स्केल कैसा होगा लीनियर।
तो इनका ख्याल रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वाट मीटर के केस को स्टडी कर सकते हैं जहां पर दो वायर अलग अलग डायरेक्शन में गया है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है सर? हाई होता है, क्योंकि पोटेंशियल कॉइल है, हाई रेजिस्टेंस होते हैं, इससे करंट जाना हम नहीं चाहते, बेहतर होगा, तो हाई रेजिस्टेंस इसको रखा जाता है, हाई रेजिस्टेंस है ना। सो इसमें जाने वाला करंट क्या होता है? बहुत कम। अगर मैं इसको जाने वाला आई टू मानूं तो इसमें जाने वाला करंट जो है वो बहुत कम होता है। और इसका क्या होता है? लो रेजिस्टेंस, ताकि मैक्सिमम करंट इस लोड से जाके उस लोड में जाने वाले करंट के बारे में बताए। ओके, सो आई वन क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज करूँ, लो रेजिस्टेंस होता है, इसका होता है रेजिस्टेंस लो, और यहाँ पे करंट जाता है बहुत हाई। आई वन के केस में करंट क्या आता है? बहुत ज़्यादा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स वाट मीटर। और वाट मीटर के अभी बहुत सारे कंडीशंस बचे हुए हैं कि वाट मीटर में इंडक्टेंस क्या होता है, टर्नों की संख्या क्या होती है, मैं फिलहाल बता दूं। अगर आप लोग ये भी चाहो तो देखिए, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तार पतला होता है, तो इंडक्टेंस को मैनेज करने के लिए इसमें टर्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि करंट तो कम गया, करंट कम गया तो फील्ड कम बनेगा। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए टर्नों की संख्या क्या होती है? पोटेंशियल कॉइल में बहुत ज़्यादा होती है, पर पतले तार के बने होते हैं। इसमें करंट मैक्सिमम गुजारना है तो तार ऑब्वियसली मोटा होगा, और तार अगर सर मोटा होगा, ध्यान से समझिएगा, तार अगर लाइट नहीं है, तार अगर मोटा होगा तो भारी होगा। तो कई बार ये भी पूछता है कौन सा कॉइल भारी होगा, और तार मोटा है, करंट ज़्यादा जा रहा है तो कम ही टर्न में काम चल जाएगा, तो करंट कॉइल में टर्नों की संख्या हमेशा कम होती है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हमेशा पूछा जाता है ना, ये सब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रहे, है ना, नोट डाउन भी अपने से कर सकते हो कि जो ये सब चीज़ होता है। हालांकि आपको वाटमीटर के लिए मैं चीज़ें अलग से बताऊंगा, स्पेशली वाटमीटर हेडिंग लिख के उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा मैं करूंगा। चलिए चलिए जी, चलिए 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 इस सेशन को मैं कर दूंगा बहुत जल्दी बंद, है ना, डंप कर दूंगा। पेड कोर्स में सारे जाइए, क्योंकि वहीं पे सब पढ़ते हैं, वहां हजारों की संख्या में पढ़ते हैं, पे करके सब पढ़ते हैं, फ्री में कोई नहीं पढ़ना चाहता, है ना। सो अब प्रैक्टिस सेट ही चलाऊंगा मैं, अब आप लोगों के लिए कोर्स नहीं लाऊंगा फ्री में, वो भी है ना। चलिए, बड़ा मुश्किल की समस्या हो जाती, इसीलिए कोई चैनल फ्री में थ्योरी क्लास नहीं देता कभी भी, इसीलिए देखना, क्योंकि बच्चे जब अपने मन हो तभी वो इच्छा से पढ़ते हैं। तो कोई भी चैनल वाले हो, वो फ्री में थ्योरी क्लास नहीं पढ़ाते लंबे लंबे, है ना, उसका रीजन यही है कि फ्री में चीज़ें की कोई वैल्यू नहीं होती, प्रैक्टिस सेट ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर, चलिए चलिए, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ और इसके बाद वाट मीटर में मैं देखूंगा, बाकी आप लोग जाइएगा फिर, अगर इन फ्यूचर किसी को लगता हो कि नहीं सर कंटेंट बहुत बेहतर है, और मैं हमेशा कहूँगा कि इससे बेहतर डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है, हालांकि कुछ भी संभव है इस दुनिया में, बट मैं चीज़ों को काफ़ी डिलीवर करता हूँ किसी बिल्कुल आसान वे में ना। अब रही बात कि सर क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस भी इसमें कुछ देख लेते हैं। कह रहा है ED type instrument by which we pass a value of current I of t is equal to 3+4 sin ωt -30°, then find
देन फाइंड रीडिंग ऑफ मीटर. मीटर क्या रीड करता है इनकी चर्चा आप देंगे यहाँ पे, है ना, इनकी चर्चा आप देंगे यहाँ. चलिए चलो, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल. चलिए अविनाश कुमार, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जवाब देंगे जी. दीपक सिंह कह रहा है √12. एक जवाब आ गया है √12 का. सर प्लांट शट डाउन हो गया है इसीलिए ऑनलाइन नहीं आ रहा हूँ. एक दो की थोड़ी ना बात है एक दो बंदे की थोड़ी ना बात है, कोई बात नहीं, है ना. चलिए फटाफट 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 बताएंगे सभी. प्रैक्टिस सेशन चला दूंगा आप सभी के लिए, है ना. प्रैक्टिस करिए, थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कोई, कहीं ना कहीं कहीं पढ़ ही रहता है ना. फ्री में कोई नहीं पढ़ता, पेट दे के सब पढ़ते हैं. तो कहीं ना कहीं आपने थ्योरी पढ़ ही रखा होगा, तो हम जरूर प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है. काफ़ी दिन से प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हुआ है. √17 बोल रहा है नीतीश कुमार, कह रहा है √17. चलिए ये ऐप में हमारे कंटिन्यू सेशन चलते रह जाएंगे, है ना. चलिए ना, चलिए क्या जी, √2 दो ही जवाब. अब देखो जवाब भी कितना कम है, कितना कम जवाब है, मतलब केयरलेस की हद हो गई, केयरलेस की हद हो गई. √12 √17. ना देखिए ये एक्सप्रेशन है आपको करंट का दिया हुआ है ना, करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ. आपको पता है अगर एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, अगर एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, देखना बच्चे में कंफ्यूजन क्या रहता है मैं पहले बताता हूँ. तो ये मापता है डीसी को भी और एसी को भी, बिल्कुल. ये अगर डीसी को भी मापता है और एसी को भी मापता है, है ना. डीसी को भी, डीसी का हमेशा एवरेज वैल्यू को मापेगा और एसी में हमेशा आरएमएस वैल्यू को मापेगा, एसी में हमेशा आरएमएस वैल्यू को मापेगा. लेकिन तब क्या जब एसी सिग्नल के साथ साथ डीसी सिग्नल भी इंक्लूड हो. ध्यान से समझिएगा, लेकिन तब क्या होगा जब एसी के साथ साथ डीसी सिग्नल भी इंक्लूड हो, है ना. हाँ बिल्कुल, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन आएगा, है ना. तो जब वो तब क्या होगा जब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें एसी के साथ साथ डीसी भी इंक्लूड हो. ये देखिए ये जो है हमारा, ये इस इक्वेशन में एक वैल्यू डीसी का है और रिमेनिंग वैल्यू जो है ये जो है वो एसी का पार्ट है. तो जब डीसी और एसी हो तो ऐसे कंडीशन में क्या निकाला, एवरेज निकालूं तो खाली ये निकलेगा, इसका खत्म हो जाएगा. तो अब दोनों का अगर निकालना हो वैल्यू तो हमेशा आरएमएस निकालिए. क्या वैल्यू निकालिए जी, आरएमएस. हमेशा कौन सा वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस. तो आरएमएस में आपका डीसी भी इंक्लूड हो जाएगा और एसी भी इंक्लूड हो जाएगा. तो हमेशा एसी सिग्नल के साथ साथ अगर डीसी सिग्नल भी इंक्लूड हो यानी इन्वॉल्व होता है तो हमेशा आपको क्या निकालना है जी, आरएमएस वैल्यू निकाल देना है, उनका आरएमएस वैल्यू. तो अब ये तो हम नेटवर्क में भी पढ़ा है कि कोई सिग्नल है जैसे कि 3+4 अब साइन ωt-5, तो कभी भी मैग्नीट्यूड आरएमएस निकालेंगे तो उससे फेज एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसका मान 30 है या कुछ भी है, हमको आरएमएस निकालने में फेज कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता. ओके नाउ, तो मैं अगर इसका आरएमएस निकालने की कोशिश करूंगा तो आई ऑफ आरएमएस जब भी निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, √3
थ्री का स्क्वायर, क्योंकि ये डीसी का है तो डीसी में पीक तो होता नहीं, तो थ्री बाई रूट टू नहीं करना है, सिर्फ ये वैल्यू कर देना है डीसी का स्क्वायर, ताकि ये अगर बाहर भी निकले तो डीसी रहे। देखिए तीन अंदर रूट स्क्वायर से कटेगा तो बाहर तीन ही रहता ना। ओके नाउ फोर बाय रूट टू का स्क्वायर, ये चूंकि पीक वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है जी, पीक वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है जी, पीक वैल्यू है। आइए जी तो नाइन प्लस चार का स्क्वायर और ये रूट टू है यहाँ पे, तो कितने हो गए, सोलह बटा दो आठ हो गए, है ना, कितना हो गया आठ, तो अंडर रूट क्या हो गया, नौ आठ सत्रह एम्पियर इज योर आंसर, सेवनटीन एम्पियर इज योर आंसर, 17 एम्पियर इज योर आंसर। ओके चलिए ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका, ठीक है चलिए 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 इसको देखते हैं बारीकी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना जी। आइए जी क्वेश्चन कह रहा है रीडिंग ऑफ पीएमएमसी एंड ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट व्हेन अ सेंटर जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट ए सेंटर जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, ए सेंटर जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, ए सेंटर जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एंड इट एंड a current passes through these, a current passes through these series connected meter, series connected meter is माइनस टेन प्लस, माइनस टेन प्लस प्लस टू रूट टू साइन ओमेगा टी, माइनस टेन प्लस टू रूट टू साइन ओमेगा टी, ऐसा सिग्नल दो मीटर से गुजारा गया, एक पीएमएमसी एंड दूसरा आपसे ईडी टाइप बोला गया, और सेंटर टाइप सेंटर जीरो टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इसका क्या मतलब होता है कि जीरो सेंटर पे है और दोनों साइड स्केल है और एक ईडी टाइप भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो यानी सेंटर जीरो टाइप का मतलब खाली समझ लिए, अगर नहीं कोई जान रहे हो, सेंटर पर जीरो होगा इस पॉइंटर का, मतलब जीरो कंडीशन में ये बीच में रुका रहेगा और इधर चलेगा तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ओके यानी नेगेटिव इन द सेंस कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, और इधर चलेगा तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऐसा देगा, है ना। इसको बोलते हैं सेंटर जीरो टाइप, इसको क्या बोलेंगे जी, सेंटर जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट। व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर, What will be your answer? What will be your answer? जवाब देंगे सभी, जवाब देंगे सभी,
चलिए 100 उमेश चंद्र कुमार ने जवाब दिया। ओके बहुतों के जवाब आ गए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर पीएमसी रेट -10। ओके अभिषेक मेहरा कह रहा है 20। ओके दीपक सिंह कह रहा है -10 अंडर रूट 104। अकमल कामनी कह रहे हैं एंड ईडी टाइप रीडिंग 0104। राहुल सिंह कह रहे हैं -10 पीएमसी मेजर एसी करंट। उमेश कुमार बोल रहा है इतना 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 इतना। ओके जी ओके 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 2 मीटर है, बहुतों ने जवाब दिया इस बार, तो बहुत अच्छा है। 2 मीटर है जी, 2 मीटर है ना, 2 मीटर है। आज काफ़ी गर्मी है, लाइट कटा हुआ है। चलिए सर यहाँ मैं बात करूँ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, अगर वो पीएमएमसी में कितना -10 है, ये कौन सा वैल्यू है सर, डीसी है, तो ऑब्वियसली वो किधर रीड करेगा, इधर, ये -10 इधर आ जाएगा। तो पीएमसी एसी के लिए कुछ भी रीडिंग नहीं देगा और डीसी के लिए रीडिंग देगा। तो पीएमसी जब पीएमएमसी रीड करता है, जब पीएमसी रीड करेगा तो वो क्या रीड करेगा जी, -10 एम्पीयर, इसमें कोई शक नहीं। जब पीएमएमसी रीड करेगा तो ये क्या रीड करेगा जी, -10 एम्पीयर। क्या रीड करेगा, -10 एम्पीयर। क्या रीड करेगा, -10 एम्पीयर। चलिए लाइट आ गई है ना। दूसरी बात, जब एडी टाइप यही रीड करेगा, क्या एडी टाइप, तो वो तो एसी प्लस डीसी को क्या रीड करेगा, आरएमएस, तो इसका आई आरएमएस आप निकाल दो। क्या करेगा सर, 10 -10 ही है, उसका स्क्वायर कर दो प्लस 2√2 का स्क्वायर कर दो, देखिए क्या वैल्यू दे रहा है। सर ये तो 100 हो गया, प्लस ये √2 इससे कट गया तो +4 हो गया, तो √104 एम्पीयर ये हो गया। तो 10 से कुछ ज्यादा कौन रीड करेगा, लगभग 104 का होगा, 10 पॉइंट समथिंग है ना, 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो 10 पॉइंट समथिंग यानी 10 से ज्यादा कौन रीड कर रहा, एडी टाइप। लेकिन पीएमसी कितना रीड कर रहा, ओनली 10, क्यों, क्योंकि ये सर ये तो आरएमएस से, ये तो एवरेज वैल्यू माप रहा है और ये आरएमएस वैल्यू को रीड कर रहा है जी, ये आरएमएस वैल्यू को रीड कर रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको क्लियर होगा, इसमें चीजें और भी बढ़ेंगी, इसमें चीजें और भी बढ़ेंगी। अब देखता हूं लेकिन अपकमिंग क्लास किस चीज का होता है, अपकमिंग क्लास किस चीज का होता है, मोस्ट प्रोबेबली कि हम प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी की क्लास आपकी ऐप पर ही जैसे एज इट इज चलती है वो बेहतर है, वहीं पे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लगातार पे करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्री में होती है तो सब अपने मर्जी का मालिक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में मुश्किल होता है क्लास को अटेंड करना, रेगुलर करना है ना। वो तो सर्किट सागर था मेरा जोश इतना कि मैंने 93 लेक्चर आप लोगों को दिया, देन मशीन में भी मैंने काफ़ी मेहनत किया, 35 लेक्चर वहाँ भी दिया, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के अंदर पूरी इफिशेंसी के साथ पूरी ईमानदारी से दिया, अभी भी दे रहा था पर ऐसे में नहीं, मज़ा नहीं आता। चलिए फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं, ज़्यादा उम्मीद रखिए कि प्रैक्टिस सेशन में ही हम मिलेंगे आप लोगों से है ना, अब प्रैक्टिस ही कराऊंगा ताकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होता रहे, थ्योरी आप कहीं ना कहीं पढ़ते ही हो, तो थ्योरी बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत तो कई बार पढ़ चुके होंगे, 10 बार, तो थ्योरी से अब कुछ बात नहीं बनेगी जी, प्रैक्टिस करिए है ना, प्रैक्टिस करिए। चलिए तो मैं इस सेशन में अब आगे अपकमिंग क्लास में प्रैक्टिस ही आप लोगों को कराऊंगा है ना, आगे अपकमिंग क्लास में प्रैक्टिस ही कराऊंगा, और बहुत जल्दी आपको ऑफलाइन सेंटर भी मिलने लगेंगे पटना के अंदर है ना, ऑफलाइन सेंटर मिलेंगे। ओके चलिए।